नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं कि एडोब प्रीमियम प्रो का आउटपुट कैसे दें हम विमिक सॉफ्टवेयर में, जो कि एक तरह से कह सकते हैं हम प्लग इन करना, जो कि प्रीमियम प्रो को हम विमिक सॉफ्टवेयर से कैसे कनेक्ट करेंगे, NDI से आउटपुट हम कैसे देंगे विथ ऑडियो के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी हमने विमिक सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है, आपको भी ओपन कर लेना है। अभी एक सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है, जिसका हमें आउटपुट देना है NDI का। तो यहाँ पे आपको गूगल पे चले जाना है। मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया था NDI, यहाँ पे आपको मिल जाए एडोब NDI। आप करेंगे और सर्च करेंगे, सबसे टॉप पे आपको यही ऑप्शन दिखेगा, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे हल्का सा इसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे NDI डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे विंडो है, आपका मैक है, जो भी हो, आप इसे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। अब डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा डाउनलोड होने लगेगा। तो अभी हमने डाउनलोड करके रखा है, तो इसे हम डाउनलोड नहीं करेंगे, कैंसिल कर देना। आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हमने कर लिया है, इसे हम ओपन कर लेंगे। अभी हम ओपन करेंगे तो इस तरह का हमें इंटरफेस दिखेगा। अभी आप आफ्टर इफेक्ट का भी आउटपुट दे सकते हैं इसे, जितना भी आपको दिख रहा है सभी का आउटपुट आप अपने विमिक सॉफ्टवेयर में दे सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि प्रीमियम प्रो का हमें देना है, तो हम प्रीमियम प्रो को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम इसे अलाउ कर देंगे, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, चलिए टेस्ट हमने डाल दिया, यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब इसमें हम एक वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए हम यही वीडियो एक इंपोर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हमारा आउटपुट में क्या दे रहा है। ठीक, अभी हमारा ये आउटपुट है विथ ऑडियो, आई थिंक होगा थोड़ा बहुत ऑडियो है। ठीक, अभी हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें सेकेंड नंबर पे एडिट पे जाना है। यहाँ पे एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट में प्रेफरेंस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे जनरल पे भी जा सकते हैं और प्ले बैक पे भी जा सकते हैं। तो आप जनरल पे हम चलेंगे। जनरल पे जाने के बाद यहाँ पे प्लेबैक का ऑप्शन दिख जाएगा। अभी यहाँ पे हमारा ओके है, चलिए हम प्लेबैक पे ही हमें जाना है। शॉर्टकट में आप प्लेबैक पे भी जा सकते हैं। अभी क्या करना होगा, यहाँ पे हमारा देख रहे हैं ऑडियो डिवाइस जो दे रहा है हमारा NDI से आउटपुट कर देना है, NDI आउटपुट। अब यहाँ पे हम NDI का आउटपुट दे देंगे। अब इसे हमारा जो डिजिटल वीडियो आउटपुट वैन इन द बैकग्राउंड ऑडियो चलता रहे, इसे हम अनटिक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब जैसे ही ओके कर दिया, हमारा ये NDI आउटपुट ऑन हो गया। अब चलिए हम चलते हैं अपने विमिक सॉफ्टवेयर में और देखते हैं इसका आउटपुट लेकर के, इसे हम प्ले कर देंगे। अभी हमें क्या करना है कि एड इनपुट में जाना है। एड इनपुट में जाने के बाद आपको यहाँ पे NDI डेस्कटॉप कैप्चर पे जाना है। अब जैसे ही NDI डेस्कटॉप कैप्चर पे जाएंगे, आप यहाँ पे एडोब प्रीमियम प्रो का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो आप एक बार विमिक्स को क्लोज करके अगेन ओपन करिएगा, आपका डेस्कटॉप एडोब प्रीमियम प्रो का आइकॉन दिखने लगेगा NDI का। यहाँ पे आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अभी देखिए कि हमारा जो प्रीमियम प्रो में अभी दिख रहा है, वही चीज़ हमारा अभी विमिक सॉफ्टवेयर में भी दिख रहा है। अब ऑडियो की बात करें, तो ऑडियो देखिए, अगर हम क्लिक करेंगे इस पर, तो हमारा ऑडियो ऑटोमेटिकली इसमें जाने लगेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऑडियो हमारा बहुत कम ही है इस वीडियो में। तो अभी क्या करेंगे हम ऑडियो के लिए, अभी आपको दिखा दें, हम अपना ऑडियो बंद करके,
क्योंकि इसका ऑडियो इस वजह से बहुत कम है, मैंने ऑडियो वाला ज़्यादा वीडियो नहीं लिया है जी, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा ऑडियो नहीं है, बस ओनली बहुत ही कम है। आपको एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए मैंने इसे ऐड किया था। तो अभी आपका आउटपुट सक्सेसफुली आने लगा, जो कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप विमिक सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट करिएगा और अगेन जो हमने प्रोसेस बताया है वही आपको कर लेना है। प्रोसेस में जो हमने NDI आउटपुट जो हमने दिया है इसे कर देना है, इसे अनचेक करके ओके ही रखना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका विमिक सॉफ्टवेयर में अगर नहीं देता है तो आप एक बार रिस्टार्ट करिएगा, जरूर जरूर आपका आउटपुट NDI आने लगेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।